अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक अली मिर्ज़ा के मुकल्लिद ने सवाल किया, इनका एक इतराज़ ये है कि देखिए, आप अली मिर्ज़ा की बात, आप उसकी क्लिप काटते हैं, आप उसकी पूरी बात क्यों नहीं लगाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको नकल करते हैं। मे बी उसकी पूरी बात कहने का मतलब कोई और हो, तो आप पूरे क्लिप लगाया करें। तो देखिए, जितनी जिधर जिसने बात गलत की होती है उसका रद्द किया जाता है। अब अली मिर्ज़ा ने 2 घंटे का लेक्चर दिया है, जिधर उसने जो बात गलत की है हमने उसका रद्द करना है ना। जब किताब में से किसी चीज़ का रद्द करते हो कि यार ये चीज़ गलत है, तो वो उसी रेफरेंस को नकल करते हो ना, यार ये बात गलत लिखी हुई है, पूरी किताब नकल कर देते उधर। और चैलेंज है हमारा, जो हम पे ये बात कर रहे होते हैं ना, कोई एक वीडियो जिसमें अली मिर्ज़ा ने तौसीफ़ रहमान का, इब्तिसाम अलाइज़ेर इनका रद्द किया हुआ है ना, तो उधर भी उसे क्लिप काटे हुए हैं। हमें कोई एक वीडियो दिखा दो अली मिर्ज़ा के ऑफिशियल चैनल से जिधर अली मिर्ज़ा ने पूरा 1 घंटे का बयान लगाया। देखो, मैं शेख तौसीफ़ रहमान का रद्द कर रहा हूँ, उसका पूरे 1 घंटे का लेक्चर उसने लगा दिया। हालांकि वहां जिधर जिससे इख्तलाफ होता है वही क्लिप काट के लगाया जाता है ना, उधर तो अली मिर्ज़ा के फॉलोअर की बात नहीं करते कि आप पूरा क्लिप दिखाओ, उधर तो अपने रूहानी बाबे की बात मान ली जाती है। और हम जिधर उसने गलत बात किया हमने उसका ही रद्द करना है ना, और वो हम क्लिप लगाते हैं, और हम उस जो भी हम क्लिप लगाते हैं सब लिखा होता है कि इस वीडियो से उठाया हुआ हमने। और हम पे एतराज कीजिए, आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप बात कर रहे हो, पूरी वीडियो लगाओ, ये सिर्फ अपना बाबा जब फंस जाए ना फिर ये होता है। हालांकि कभी अली मिर्ज़ा पे एतराज नहीं किया, अली मिर्ज़ा ने जितने लोगों का रद्द किया, अली मिर्ज़ा ने पूरे लेक्चर एक दिखा दो, मैं एक ग्रुप डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अली मिर्ज़ा की कोई एक वीडियो दिखा दो जिसमें अली मिर्ज़ा ने पूरे घंटे का लेक्चर दिखाया उनका, तो उसी रहमान का रद्द कर रहे ना, पूरे घंटे का लेक्चर अपनी वीडियो में लगा दे। ये तो कोई भी नहीं करता ना, ये हो सकता है? जिधर जितनी बात गलत की जाती है उसी का रद्द किया जाता है ना। चाहे लो जी, ये तो इंजीनियर जो फॉलोअर हैं, ये तो उनके भागने के तरीके हैं ना, फरार होने के तरीके हैं। जैसे उनका बड़ा भाग चुका है सनदों से, कहेंगे कि पूरी वीडियो कि जाहिली होगा, यानी कोई बेवकूफ़ी होगा, यानी आपने एक वीडियो बनाते हुए दूसरे फरीके मुखालिफ की 2.5 घंटे की वीडियो लगा दी उसमें। ऐसा तो नहीं होता भाई। आपकी बात ठीक है, जो बात वीडियो में गलत है उसकी रद्द किया जाता है। हाँ, मुखालिफ कहे कि भाई मेरी फ़लाँ वीडियो से इसने गलत तरीके से जो है ना वो बात को लेकर बनाई है वीडियो, तो वो बताए ना, फिर उसको जवाब दिया जाएगा। इंजीनियर तो खुद किताबों से आधी आधी रवायतें पढ़ता है, जैसा कि तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, तो उनका बेटा अली तलहा अली रज़ी अल्लाह उनके पास आया और कहा कि आपने मेरे वालिद को कत्ल किया और हमारा माल लिया है। ये तो नहीं उसने बताया अपनी वीडियो में, बस इतना बताया कि वही जो है ना वो तलहा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए, तो जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हम जन्नत में होंगे, बस इतना कहा। वहाँ भी रवायत में से भी आदि बयान की मुसद्दर के हकीम में से। इसी तरीके से बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब वो दूसरों के इंजीनियर रद्द कर रहा होता है तो उनके भी तो वो छोटे छोटे क्लिप लगाता है ना, और ये लोग मीम्स बनाते हैं तो छोटे छोटे क्लिप लगाते हैं। कोई कौन है जो फरीके मुखालिफ की 1.5 घंटे की वीडियो लगाता है? ऐसा तो इंजीनियर भी नहीं करता। ये सिर्फ बहाने हैं जान छुड़ाने के और भागने के बहाने हैं। और हमारी जो अभी वीडियोस अभी आ रही है उसमें तो हम रेफरेंस दे देते हैं, वहाँ मुकम्मल तौर पर वीडियो का स्कैन लगा होता है कि इंजीनियर की किस वीडियो से किस मिनट से लिया गया है। अब तो ये कह नहीं सकते कि जो है ना मुकम्मल वीडियो लगाओ।